साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र के गुल्ली भट्टा में बीते गुरुवार की देर रात सरस्वती पूजा के पंडाल में गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट इतनी भयावह थी कि ईंट पत्थर की बारिश तक हो गई, जिसमें एक पक्ष के एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को फौरन इलाज के लिए बीती रात सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर मुकेश कुमार ने घायल का इलाज किया और हालात बिगड़ता देख उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दिलीप शाह के पुत्र ऋतिक शाह उर्फ तानी इस घटना में घायल हो गया। इसके बाद नगर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता अपने दलबल के साथ पूजा पंडाल पहुंचकर दो पक्षों में विवाद के मामले को शांत कराया। इधर विवाद को देखकर पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। वहीं इस मामले को लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि सरस्वती पूजा पंडाल में गाना बजाना जा रहा था और पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा गाने को बंद कराया गया। बाद में फिर से डीजे बजाया जा रहा था, तभी पंडाल के सामने रहने वाले व्यक्ति के साथ कहा सुनी हो गई। इस क्रम में मारपीट हो गई और एक युवक घायल हो गया। फिलहाल मामले को शांत करा दिया गया है और शहर में अमन चैन कायम है। इस मामले में नगर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बीती रात करीब 11:15 बजे गुल्ली भट्टा में जो पूजा पंडाल था वहां पर गाना बजाया जा रहा था, जिसे कि पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा बंद करवाया गया। पेट्रोलिंग के जाने के बाद भी बच्चे वहां गाना बजा रहे थे, जिसमें कि पंडाल के सामने के घर में रहने वाले व्यक्ति फिर बाहर निकले और वहां पर बच्चों के साथ कहासुनी हो गई और इस क्रम में उनके साथ मारपीट किया गया। दोनों पक्षों में आपस में मारपीट किया। एक व्यक्ति उसमें जख्मी है, जिसे सदर अस्पताल भेजा गया और इसमें हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और अभी मामला शांत है दोनों पक्ष तरफ से और स्थिति कंट्रोल में है। इसमें किसी का गिरफ्तारी की बात सामने आई है क्या सर? नहीं, हम लोग अभी इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो दोषी हैं उस पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी इस तरीके की छोटी चीज़ों छोटे मामलों में भी अगर कानून को अपने हाथ में लेते हैं और गलत काम करते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें अटल भारत।